हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था रेजोनेंस क्या होती है, कॉन्जुगेशन क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, वो सब हमने जाना था। तो अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि रेजोनेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एज अ होल वैसे तो रेजोनेंस के टाइप्स कहना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी कितने तरीकों से रेजोनेंस होती है उसको मैंने कैटेगराइज किया है अलग अलग पार्ट्स में। तो उसको मैंने 6 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है कि और जितने भी तरह की रेजोनेंस होती है वो उन्हीं 6 पार्ट्स में कंसीडर हो जाएगी। तो अगर आपको ये 6 पार्ट्स आ गए तो आपको एज अ होल हर तरह की रेजोनेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, मतलब हर तरह के क्वेश्चन के आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं वो 6 तरह की रेजोनेंस के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो आइए पहला देखते हैं। पहला डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। ये मतलब हमने जो पहले एग्जाम्पल लिया था वो, ये मतलब डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर एम्प्टी ऑर्बिटल, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें किसका, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये इसका एग्जाम्पल था। कैसे, यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है, फिर क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो अब थोड़ा फील आ रही होगी तो कि मैं कैसे इसको कैटेगराइज कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड हमारा टाइप है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, और क्या, लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर में निगेटिव चार्ज भी हो सकता है और लोन पेयर एज अ होल भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली लोन पेयर मतलब निगेटिव चार्ज, ठीक है। थर्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल, ठीक है। ये फ्री रेडिकल क्या होता है, ये हम जब मैं अभी आगे आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में बताऊंगा तब आप समझेंगे फ्री रेडिकल होता क्या है। अभी के लिए आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि जैसे लोन पेयर होता है, उस लोन पेयर में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री रेडिकल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है विदाउट एनी चार्ज, ठीक है। फोर्थ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब आपको यहां तक तो समझ आ रहा होगा कि कैसे रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे इसमें कैसे रेजोनेंस होगी, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। मैं अभी आप इन सारे टाइप्स को एक फर्दर अलग अलग करके एक्सप्लेन करूंगा पूरा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिफ्थ ये आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, ये है बैक बॉन्डिंग। आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इसको पढ़ते हैं, ये बैक बॉन्डिंग है। तो बैक बॉन्डिंग को भी हम रेजोनेंस में ही मानते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। तो ये भी एक रेजोनेंस का टाइप है, ठीक है। और हमारा सिक्स्थ है, ये है पी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, और जब, और ये क्या है, डी पाई बैक बॉन्डिंग, मतलब जब जो एम्प्टी ऑर्बिटल है जब वो पी ऑर्बिटल होगा तो उसे हम पी पाई बैक बॉन्डिंग कहते हैं। और जब यहां पे लोन पे है, और जब जहां पे एम्प्टी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल होगा तो उसे हम डी पाई बैक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे 6 टाइप्स हैं रेजोनेंस के, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करेंगे। अगर आपको ये 6 टाइप्स अच्छे से आ गए कि कैसे इसमें रेजोनेंस होती है 6 टाइप्स में, तो आपको आगे चल के जितने भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने होंगे आप 2 मिनट में बना लेंगे। बस आपको इन 6 टाइप्स ऑफ रेजोनेंस पे कमांड होनी चाहिए कि ये कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा है जब वो बनते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको अपलोड कर लीजिए वीडियो पॉज करके और हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले पे चलते हैं, इसको हम केस 1 नाम दे देते हैं, केस 1, ठीक है। केस 1 हमारा क्या था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक
ठीक है, इसके बीच में कैसे हमारी रेजोनेंस, कैसे हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है और कैसे रेजोनेंस होती है, ये हम देख भी चुके हैं पहले, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप पीछे वाली वीडियोस को रेफर कर सकते हैं जो मैं अपलोड किया है मैंने रेजोनेंस पे, जहाँ पर रेजोनेंस को पूरा मैंने समझाया है कि कैसे होता है रेजोनेंस। तो आइए इसको समझते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके, वही CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और एम्प्टी ऑर्बिटल के रूप में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हमें पता है क्या, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में हम क्या करते हैं, ये डबल एरो लगाते हैं शो करने के लिए, ठीक है। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये दोनों इसके क्या हो गए, रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि RS, ठीक है। ये कैसे बने और क्यों बने, ये मैंने पिछली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आगे केसेस में जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया उनमें एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको इसका रीजन देखना है, इसका मैकेनिज्म देखना है कि ऐसा कैसे हुआ, तो आप पिछले वीडियो रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, तो CH2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और ये क्या हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आपको इस एग्जाम्पल समझ आ गया होगा कि ये हमारा केस वन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल में हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे होती है और रेजोनेंस कैसे होती है। तो ये केस वन है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, कर लिया नोट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम केस टू से। हमारा केस टू, तो हमारा केस टू क्या था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, ठीक है। तो अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, इसको हम लोन पेयर से भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें वही चीज है जहां पे पहले वाले केस में पॉजिटिव था, अब इसके यहाँ क्या गया है, नेगेटिव आ गया है। तो अगर अब हम इसको जैसे आप देखिए, अब ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि अगर हम इस कार्बन को अगर थोड़ा हम विजुलाइज करें, तो इस कार्बन के पास ये कार्बन है, तो इसे दो हाइड्रोजन अटैच है और ये एक बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है लोन पेयर है। तो इस कार्बन के पास होने कितने चाहिए कार्बन एटम, इसके वैलेंस शेल में चार पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, लेकिन अभी कितने हैं, एक दो तीन चार और पांच हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो इस पे ऐसे नेगेटिव चार्ज आ रहा है लोन पेयर की वजह से, तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो होगा क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही क्या है, सेम चार्जेस है, मतलब लाइक चार्जेस हैं, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इससे रिपेल होकर क्या चले जाएंगे, इस वाले कार्बन एटम पे चले जाएंगे। तो होगा क्या कि CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब वो इस पे चले जाएंगे, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से। और ये मैंने अभी आपको बताया कि नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि चार होने चाहिए लेकिन है कितने, पांच, एक यहाँ का, दो ये लोन पेयर के तीन, और दो हाइड्रोजन पांच, तो पांच है, इसलिए क्या हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा ए था मान लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा कि ये फर्दर क्या होगा इस पे, अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो दो लोन पेयर है, ठीक है, अच्छा एक मिनट, हाँ, तो ये दो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उसके बाद क्या होगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पे चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज बना लेंगे, तो इस पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो अब देखिए इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो और एक हाइड्रोजन का तीन, होने कितने चाहिए चार, तो इस पे कितने आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो कार्बन है, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो कार्बन है, ये अपने जो ये
लोन पेयर्स है, ये इसको इसको दे देगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्या कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन लोन पेयर्स को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उस अट्रैक्ट करने पे क्या होगा कि ये एक इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर इसको ऐसे देखें CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब क्या हो गया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यानी कि इसके पास एक क्या है खाली ऑर्बिटल है, और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है अरे डबल बॉन्ड कर, यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो क्या होगा इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है मतलब ये जो लोन पेयर है, ये वाला कार्बन एटम इस लोन पेयर को इस वाले कार्बन एटम को दे देगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि नंबर 1 वाला जो कार्बन एटम है वो नंबर 2 वाले कार्बन एटम को अपना लोन पेयर क्या कर देगा, दे देगा। तो उससे क्या होगा नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा अपना सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहां से क्या होगा कि जो ए और बी है हमारे, ए और बी क्या है वो हमारे आरएस है, ए और बी क्या है हमारे आरएस है। ये वही सिमिलर वे है जैसे मैंने आपको पहले वाले केस को पिछले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ठीक है, आप वैसे ही समझ सकते हैं इसको, ये क्या है ए और बी हमारे आरएस है, ठीक है। और ये हमारा जो बीच में बना ये क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये फॉर्म होता है रिएक्शन के दौरान लेकिन एंड ऑफ द रिएक्शन हमें मिलता नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है आरएस है। अगर आप हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसे बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और दोनों CH2 के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि फर्स्ट और थर्ड दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, और जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा तो वो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट जाएगा फर्स्ट और थ्री के बीच में, फर्स्ट और नंबर थ्री कार्बन एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट जाएगा, तो दोनों पे क्या आ जाएगा डेल नेगेटिव चार्ज। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे हमें मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आपने, ठीक है। आप इसके एक स्ट्रक्चर एक दो एग्जांपल्स देख लीजिए, मैं इसके एक दो एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको, अभी आपने जो सेकंड वाला पढ़ा उसके। तो जैसे हम एक ये लें, ये मॉलिक्यूल ले लें, आयन है। अगर अब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे होगा, ठीक है, ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है, नंबर 2 को बाहर मार्क कर लेते समझ आएगा। ये 1 ये 2 ये वाला कार्बन एटम 1, ये वाला सेकंड कार्बन एटम और ये थर्ड कार्बन एटम। तो क्या होता है जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब क्या होगा, अब जब नया हमारा ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट आरएस है, ठीक है, अब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब सॉरी इसका हम फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ठीक है। तो इसका एक पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो कैसे होगा, तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो 1 और 3 के बीच में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो नेगेटिव चार्ज तो किस पे आ जाएगा, थर्ड वाले पे। नेगेटिव चार्ज तो किस पे आ जाएगा, ये 1 2 3, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा 1 से लेके 3 पे आ जाएगा, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड अभी तक 2 से 3 के बीच में बन रहा था वो किसके बीच में बन जाएगा, 1 से 2 के बीच में बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा आरएस हो गया, ठीक है। वैसे अगर हम एक और एग्जांपल देखें, ठीक है, अब देखिए इसमें भी इसको हम मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखेंगे, अब हम इसका अगर वो बनाएं, क्या बनाएं, आरएस बनाएं, ये हमारा फर्स्ट आरएस है, ठीक है, फर्स्ट आरएस, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पहले सबसे पहले तो क्या होगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होगा थर्ड पे जाएगा, ठीक है, ये वाला नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा थर्ड पे जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये किसके बीच में आ जाएगा 2 से 3 में, 1 से 2 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं मार्क करूँ 1 2 3, तो अब ये नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, सॉरी 1 2 3 4, अब नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा थर्ड वाले पे आ जाएगा, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड 2 से 2 और 3 के बीच में बन रहा था वो किसके बीच में बनने लगेगा, 1 और 2 के बीच में बनने लगेगा, ठीक है ना। अब ये अब क्या होगा, अब देखिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने क्या कर लिया, हमने नेगेटिव चार्ज को अब 3 पे ले आया, ठीक है। और अभी भी देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है रेजोनेंस अभी भी पॉसिबल है। तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, अब क्या होगा
ये जो नेगेटिव जो थर्ड पे था वो अब क्या हो जाएगा, फाइव पे चला जाएगा। आप समझ पा रहे हो कि कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म इसका हो रहा है, क्या कि नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को, अब इसके जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिपल करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइव पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फाइव पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे अगर नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या उसने लूज कर दिए, फोर वाले ने फाइव को दे दिया। तो फोर पे क्या आ जाएगा, अब एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जब आ जाएगा तो थर्ड वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो फोर को दे देगा। थर्ड और फोर के बीच में अब क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड आर एस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है नंबर टू का। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपको थोड़ा अभी दिक्कत हो रही हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सोचने में, तो आपको आदत हो जाएगी कि कैसे होता है। अगर आपको थोड़ा याद करना है जल्दी करने के लिए, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस भी कार्बन आइटम पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होगा, उससे दो ज्यादा कार्बन आइटम पे वो चार्ज चला जाएगा। जैसे अगर वन पे था तो दो ज्यादा थ्री पे आ गया, ठीक है। जैसे वन पे था तो दो ज्यादा थ्री पे आ गया नेगेटिव चार्ज अगले में, ठीक है। और फिर अगर उस एक और रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनना है इसका, तो थ्री से किस पे चला गया, फाइव पे चला गया, यानी कि उसके एडजेसेंट पे नहीं जाता है, एक कार्बन आइटम छोड़ के जाता है नेगेटिव चार्ज हमेशा, ठीक है, समझ है। और जो डबल बॉन्ड है वो हमेशा पलट जाता है, डबल बॉन्ड पलट जाता है, यानी कि उसके एडजेसेंट उस पे आ जाता है, ठीक है। आप समझ सकते होंगे, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अगर नोट करना है आपको, वीडियो पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं हम थर्ड वाला केस अपना। तो हमारा थर्ड केस क्या था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यहाँ पे कुछ खास नहीं होता है, आप कुछ मतलब कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे आप लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल को ट्रीट करें, तो वैसे ही आप फ्री रेडिकल को भी ट्रीट करेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल लिया CH2, वही वाला CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे फ्री रेडिकल है। अब आप ऐसे देखिए, फ्री रेडिकल बेसिकली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ये पेयर में लोन पेयर की तरह एक पेयर नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब देखिए इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये, दो हाइड्रोजन है, तो दो इलेक्ट्रॉन वहां से तीन, और एक फ्री रेडिकल का चार, यानी कि इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, यानी कि ये वाला कार्बन न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। अब अगर हम इसका मैकेनिज्म बनाए, तो हम बना सकते हैं मैकेनिज्म, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था क्या, कि ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, ठीक है। अब ये ए है, ठीक है। अब हम इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब क्या होगा, जो हमारा जो भी पार्टिकल मतलब जो हमारा रेडिकल है वो फर्स्ट से किस पे चला जाएगा, थर्ड पे। फर्स्ट से किस पे चला जाएगा, थर्ड पे। मैंने आपको क्या बताया, एक छोड़ के जाता है, एक छोड़ के जाता है, यानी कि जो कार्बन आइटम है उसमें दो ऐड करेंगे, उस वाले कार्बन आइटम पे जाएगा। फर्स्ट वन में टू ऐड किया, थ्री पे जाएगा, मतलब थ्री पे चला जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। और एक छोड़ के मतलब टू को छोड़ के अब थ्री पे आ गया, और जो डबल बॉन्ड है वो जस्ट एडजस्टमेंट वाले पे चला जाएगा, पलट जाएगा वो डबल बॉन्ड। अभी थ्री और टू के बीच में, तो अब किसके बीच में आ जाएगा, वन और टू के बीच में आ जाएगा। ये क्या है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे ए और बी क्या है हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर ये हो गया हमारा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके और एग्जांपल लेने की आपको, चलिए एक एग्जांपल आपको करा ही देता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लिया आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर को, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इसके एक दो एग्जांपल देख लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। सॉरी, वही जैसे हमने पुराना एग्जांपल लिया था उसकी, उसी में जैसे हमने नेगेटिव चार्ज लिया था, अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, फ्री रेडिकल लगा देंगे। तो वही सिंपल सी बात है, क्या वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो क्या होगा जो फ्री, अरे सॉरी, वन टू थ्री, तो अब क्या होगा कि जो फ्री रेडिकल है वो एक कार्बन छोड़ के जाएगा, ठीक है, एक कार्बन छोड़ के जाएगा, यानी कि फ्री रेडिकल वन से किस पे चला जाएगा, थ्री पे। और जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, उसके एडजेसेंट वाले पे लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। हम एक और बनाते हैं,
से हमने ये ले लिया, ठीक है। सॉरी ठीक है, अब हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो आप देखिए कि किधर से होगा, ये वन है, ये क्या है, ये टू है, और ये क्या है, थ्री है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो फ्री रेडिकल है वो किस पे, वन से किस पे चला जाएगा, थ्री पे चला जाएगा। ये देखिए वन टू थ्री है, तो फ्री रेडिकल अब किस पे चला जाएगा, थ्री पे चला जाएगा। और जो अभी डबल बॉन्ड टू और थ्री के बीच में, वो किसके बीच में हो जाएगा, वन और टू के बीच में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। बहुत सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से आप कर लेंगे इसको, ठीक है। आपको मार्क नोट करना है, कर लीजिए, वीडियो पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम एक केस फोर पे आए। केस फोर बहुत ही प्यारा सा है, सुंदर सा, इंटरेस्टिंग एकदम, मजा आ जाएगी आपको समझ के इसका लॉजिक, मतलब ये कैसे बनता है इसका लॉजिक, मुझे तो मतलब पसंद है, थोड़ा बढ़िया है, मतलब बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें तो कोई लोन पेयर भी नहीं है, कोई फ्री रेडिकल भी नहीं है, और कोई कार्बोकैटायन, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, दो डबल बॉन्ड है। तो अब सोचिए ये कैसे होगा, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सॉरी। तो अब अगर हम इसका समझें, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है। तब होगा क्या कि जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है, तो होता क्या है कि ऑक्सीजन क्या है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, तो होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, इसको ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा, अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो उससे क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बचेगा, और जो ये जो बॉन्ड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन पे चले जाएंगे लोन पेयर के फॉर्म में। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो कार्बन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि कार्बन पे के पास अब क्या है, तीन ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के पास तीन इलेक्ट्रॉन्स होने कितने चाहिए, चार। क्यों, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने ले लिया। तो कार्बन में क्या आ गया, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, तो अब देखिए अगले स्टेप में जो हमने केस वन पढ़ा था उसमें क्या था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, अरे एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल माने क्या होता है, एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज होता है, जो हमारा केस वन था। अब देखिए इसमें भी क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल है कार्बन पे। तो यहाँ तो इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड वन टू थ्री के बीच में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वन टू थ्री के बीच में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा हमारे केस वन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हम इसका रेजोनेंस करा देते हैं, है ना, रेजोनेंस तो अच्छी बात होती है ना, स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो रेजोनेंस क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर हम इसका रेजोनेंस कराए हैं सॉरी इसका हम रेजोनेंस कराए हैं, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे चला जाएगा, एक छोड़ के, पॉजिटिव चार्ज किस पे चला जाएगा, एक छोड़ के, यानी कि 3-2-1 पे चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, इस पे आ गया ना, और डबल बॉन्ड किस पे आ जाएगा, इस पे, ठीक है। मतलब वन और टू के बीच में था तो किस पे आ जाएगा, टू और थ्री के बीच में आ जाएगा, ठीक है। और ओ पे तो नेगेटिव चार्ज वैसे का वैसा रहेगा, और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब समझने वाली बात क्या है, ए, ये हमारा ए है, और ये हमारा क्या है, बी है, ये हमारा क्या है, बी है। और ए और बी क्या है, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ए और बी आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और ये हमारा बीच में क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया होगा क्या, कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपने पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है, जिससे कि ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाता है, जनरेशन हो जाता है। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये जो हमारा केस वन था रेजोनेंस का, उसकी तरह बिहेव करेगा। तो इन तीन कार्बन में क्या हो जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगी, इन तीन कार्बन में क्या हो जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पे चला जाएगा, इस वाले कार्बन पे, और जो डबल बॉन्ड वन और टू के बीच में था
वो आप किसके बीच में आ जाएगा, टू और थ्री के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें एक नया वो मिल जाएगा। तो ये क्या है, रेजोनेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आपका, मैं आपको एक मतलब एक बात बताता हूँ, जैसे आपको हो सकता है पता भी हो कि क्या, जैसे आप देखिए ए वाला जो था, ठीक है, ए वाले में देखिए कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। इस ये बेसिकली एक न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि इसका जो चार्ज का सम है, जो चार्ज का सम है, जो चार्ज का सम है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। और अगर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, इसमें भी जो चार्ज का सम है सिग्मा क्यू जो है, अगर नीचे ना दिख रहा हो, सिग्मा क्यू जो है इस वाले में भी, वो भी क्या है, जीरो है। ये भी क्या है, ऑल अराउंड इंडिविजुअली चार्जेस है, लेकिन ऑल अराउंड जो पूरा मॉलिक्यूल है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो वही मेरा मतलब कहने का था कि अगर आपको चेक करना हो कि हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, तो आप पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज काउंट करिए कि कितना चार्ज है, और अपना जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसमें चार्ज काउंट करिए, सम, चार्ज का सम। अगर चार्ज का सम बराबर आता है तभी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, सही बना है, वरना आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि आप चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट, देखिए आपने यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, यहाँ पर भी तो क्या था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव था जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा था, तो चार्ज जीरो था, नेट चार्ज क्या था, जीरो था। यहाँ पर भी क्या है, नेट चार्ज जीरो है, यानी कि अगर आपका मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, यानी कि अगर आपका मॉलिक्यूल का जो चार्ज का सम है वो जीरो है, तो आपका जो अलग जो दूसरा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें भी जो चार्ज का सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। वो उसमें भी चार्ज का सम क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि वो भी क्या होगा, एक ऑल अराउंड न्यूट्रल होगा। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, तो उसमें आप चार्ज का सम करके देखिए, अगर वो उसके बराबर आ रहा है तभी वो सही है, क्योंकि आप चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, आप चार्ज को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये केस फोर हो गया, आपको समझ आ गया होगा, ये काफी मजेदार था, मुझे मजेदार लगता है, तो बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, तो शुरू करते हैं हम अपने केस फाइव से। केस फाइव से चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, अभी थोड़ा बोरिंग सा स्टफ चल रहा था, मजा नहीं आ रही थी, तो हम केस फाइव से चलते हैं, मजा आएगी केस फाइव से, मजा आएगी। आइए केस फाइव पे हम चलते हैं। केस फोर के थोड़े एग्जांपल ले लें क्या, चलिए थोड़े केस फोर के एग्जांपल कर लेते हैं, अगर आपका मन कर रहा हो तो देख लीजिए एग्जांपल, एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, मार्क कर देता हूँ एग्जांपल, ठीक है। डबल बॉन्ड हो, इसका आप देखिए यहाँ पर भी क्या है, आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हमारा केस फोर है ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ इसको, तो चलिए फिर से हम बना ही लेते हैं क्या ही जा रहा है, थोड़ा करें तो क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ सिंगल डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, फिर क्या होगा, सॉरी 1 2 3, फिर क्या होगा 1 2 3 के बीच में क्या हो जाएगा, जो हमारा केस वन वाला है वो रेजोनेंस हो जाएगा, केस वन वाला रेजोनेंस हो जाएगा 1 और 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और 1 2 3 के बीच में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वन का वो किस पे चला जाएगा, 3 पे, पॉजिटिव चार्ज है जो वन का वो किस पे चला जाएगा, 3 पे, और जो अभी तक पाई बॉन्ड 2 और 3 के बीच में था वो किसके बीच में आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए चार्ज यहाँ पर जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, यहाँ पर भी नेट चार्ज क्या है, जीरो है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, तो ये भी वैसा ही है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप कर ही सकते हैं। अगर आपको एकदम झट से करना है तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आपका ये जो चेन है आपकी 1 2 3 4, ये जो चार एटम की जो चेन है इसके बीच में आपका क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है। अब जो इन चार में से जो टर्मिनल एटम्स हैं, ये दोनों टर्मिनल है ना, देखिए टर्मिनल पर ही आता है, जैसे अगर इसको देखिए 1 2 3 4, देखिए दोनों चार्जेस टर्मिनल है, इस पर भी जो चार्ज है ऑक्सीजन पे, और दोनों टर्मिनल एटम्स पे चार्ज आ रहा है। अगर आपको झट से सॉल्व करना है तो आप टर्मिनल एटम्स में से देख लीजिए कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जैसे 1 2 3 4, अब 1 1 क्या है, ऑक्सीजन है, 1 क्या है, ऑक्सीजन है, और 4 क्या है, कार्बन है, तो
तो वन वन और फोर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। वन और फोर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो आप क्या कर दीजिए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर निगेटिव चार्ज डाल दीजिए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर निगेटिव चार्ज डाल दीजिए, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी कि फोर, इस पर क्या डाल दीजिए? पॉजिटिव। इस पर क्या डाल दीजिए? निगेटिव। तो इस पर क्या डाल दीजिए? पॉजिटिव। और बीच में क्या लगा दीजिए? डबल बॉन्ड। हो गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपको मतलब इसको झट से करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, और तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म को समझिए कि कैसे हो रहा है, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है ना। तो अब तक आपको समझ आ रहा होगा कि काफ़ी मतलब हमारी खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा याद नहीं करना होता है, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है और सब कुछ समझ के करना होता है। तो मज़े आ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को लगे कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो धीमे कर सकते हैं, ये सुविधा आपको YouTube ने दे रखी है, तो आप वो भी कर सकते हैं, तो ठीक है। असल में होता क्या है कि मैं ये वीडियोस रात को रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, तो अगर मैं धीमे पढ़ाऊँगा तो मुझे नींद आ जाएगी और मैं सो जाऊँगा, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा ना, तो वैसे चिंता। तो आपने नोट कर लिया होगा अब तक। हम स्टार्ट करते हैं आगे हमारा केस 5, जो कि है पी पाइप बैक बॉन्डिंग, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, जो कि क्या है, बहुत मज़ेदार है। तो हम शुरू करते हैं पी पाइप बैक बॉन्डिंग से।